नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक के चैप्टर नंबर सेकंड की। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग टर्म्स को। तो आप जो है अपनी बुक के पेज नंबर 16 को ओपन कर लीजिए, यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है प्रोग्राम नंबर। किसी भी प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें उसका एक नंबर देना पड़ता है। इस नंबर को जो है प्रोग्राम नंबर कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फानो कंट्रोल की, तो फानो कंट्रोल में जो है प्रोग्राम नंबर होता है ओ से डिफाइन। ठीक है, ओ जो लेटर होता है ये डिफाइन करता है प्रोग्राम नंबर की लाइब्रेरी को, यानी कि जिस लाइब्रेरी में हम जो है ये प्रोग्राम सेव करेंगे वहाँ से अगर हमको प्रोग्राम उठाना है तो हमको पहले ओ लेटर लिखना होता है, उसके बाद जो है प्रोग्राम नंबर हम लिखते हैं। अब ये तो होगी बेसिक चीज़ कि भाई 4 डिजिट का प्रोग्राम नंबर है और ओ लेटर से डिफाइन है, बट हमको समझना होता है कि कितने टाइप के प्रोग्राम होते हैं और किस किस नंबर की सीरीज़ में जो है कौन सा प्रोग्राम डिफाइन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्राम जो नंबर होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है जनरल प्रोग्राम्स की कैटेगरी। ठीक है, जो जनरल प्रोग्राम की कैटेगरी होती है वो प्रोग्राम नंबर होता है 0000 से लेकर 7999। ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर जो है हम जनरल प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। अब जनरल प्रोग्राम क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर सीखेंगे वो जनरल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो एडिटेबल होते हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है कि हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो जनरल प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि कैनड साइकिल। कैनड साइकिल मैं आपको आगे डिफाइन करूँगा कि कैनड साइकिल क्या होती है। फिक्स साइकिल जो प्रोग्राम होते हैं वो जो प्रोग्राम्स आते हैं वो जनरल प्रोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए कि जनरल प्रोग्राम जो होते हैं वो 0000 से लेकर 7999 की रेंज में होते हैं। अब ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वेरी कर सकती है। कैसे वेरी कर सकती है? जैसे कि हम कोई कार खरीदते हैं तो उसके जो है 3 से 4 वेरिएंट होते हैं, बेसिक वेरिएंट, मिड रेंज वेरिएंट और टॉप मॉडल। इसी टाइप से जो है जो कंट्रोलर हमारे पास आता है मशीन के साथ, उसमें भी जो है हमें बेसिक वेरिएंट मिलता है, मिड रेंज वेरिएंट मिलता है और टॉप मॉडल मिलता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉप मॉडल की। ठीक है, जब आप टॉप मॉडल का कंट्रोलर लेंगे उसके अंदर जो रेंज रहेगी वो ये रेंज रहेगी। ठीक है, ये रेंज कम या ज़्यादा हो जाती है, बट पहली जो कैटेगरी होती है वो जनरल की होती है। इसके अंदर हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं इस रेंज के अंदर। ठीक है, ये हमारा जनरल प्रोग्राम कहलाएगा। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है कस्टम मैक्रो प्रोग्राम की। कस्टम मैक्रो प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर हम फॉर्मूले फिट करके एक ही टाइप के कंपोनेंट बनाने होते हैं, तो हम जो है कस्टम मैक्रो प्रोग्राम बनाते हैं। कस्टम में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से डेटा को डाल के फॉर्मूले बना के जो प्रोग्राम रन करेंगे तो वो हमारा कस्टम मैक्रो प्रोग्राम कहलाएगा। ये भी एडिटेबल होते हैं, इसके अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो ये हमको जो है पैरामीटर 3202#0, इससे जो है इनका प्रोडक्शन रहता है। मतलब ये पैरामीटर को आप जो है पहले आपको चेंज करना होगा, उसके बाद जो है आप इसकी रेंज में अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 8000 से लेकर 8999 तक होती है। ठीक है, इस रेंज में आप जब प्रोग्राम सेव करेंगे तो वो कस्टम मैक्रो के प्रोग्राम कहलाएंगे। ठीक है, कस्टम मैक्रो प्रोग्राम के बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दो ही टाइप के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, एक तो जनरल प्रोग्राम, दूसरा कस्टम मैक्रो प्रोग्राम्स। ठीक है, जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है मशीन मैक्रो प्रोग्राम की। ये जो प्रोग्राम की रेंज है ये हमारा जो मशीन का मैन्युफैक्चरर है या सर्विस इंजीनियर है यही इसको जो है सेट करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो कंपनी का मैन्युफैक्चरर या उसका सर्विस इंजीनियर ही करता है। ठीक है, तो इसको हमें को जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि भाई मशीन के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं जो सेव करते हैं वो हम किस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं।
पहला हो गया जनरल प्रोग्राम्स, दूसरा होगा कस्टम मैक्रो प्रोग्राम, तीसरा हो गया आपका मशीन मैक्रो प्रोग्राम। इन तीन कैटेगरीज में हम अपने प्रोग्राम्स को डिफाइन करते हैं। ये जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म कहलाती है हमारी सीक्वेंस नंबर। जो भी प्रोग्राम हम रन करेंगे उसके अंदर जो है हम अलग अलग लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम की अलग अलग लाइन होती हैं, तो उन लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको एक सीक्वेंस नंबर देना होता है, तो ये सीक्वेंस नंबर कहलाता है। वैसे तो आप इसकी जो है थ्योरी पढ़ लीजिए, ये न्यूमेरिकल नंबर फॉलोज द लेटर एन एट द प्रोग्राम लाइन बिगनिंग। जब भी आप प्रोग्राम की लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो है आपको एक सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा। सीक्वेंस नंबर इसी तरह से कहलाता है जैसे सीरियल नंबर होता है। एक सीरियल नंबर हम जब भी लिखते हैं कोई क्वांटिटी तो उसका एक सीरियल नंबर डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो प्रोग्राम की लैंग्वेज है उसके अंदर हमें अगर सीरियल नंबर लिखना है तो हम उसको एन के साथ डिफाइन करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन है। टूल नंबर वन के लिए जो है यहाँ पर N001, ये जो सीक्वेंस नंबर है ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जो भी लाइन आप लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए ये ऊपर हो गया आपका प्रोग्राम नंबर, ये हो गया आपका सीक्वेंस नंबर। अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम की अलग अलग लाइनें हैं, ठीक है। इन लाइनों को ब्लॉक कहते हैं, वो मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा। तो हर एक लाइन के आगे जो है आपको एक सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है। ये सीक्वेंस नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि मशीन कोई भी पहले से कोई दूसरी लाइन ना पढ़ ले। मतलब अगर आपने प्रोग्राम में यहाँ पर 5 नंबर दिया है तो जो सबसे पहले आता है उस नंबर को पहले रीड करेगी। अगर आपने जो है यहाँ पर N90 की जगह पर N05 लिख दिया तो जो है मशीन सबसे पहले इसको रीड करेगी। इसलिए जो है हमको एक सीक्वेंस बनाना होता है प्रोग्राम को लिखने के लिए, ताकि कहीं गलती से जो है मशीन लास्ट वाली जो लाइन है उसको पहले ना पढ़ ले। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम सीक्वेंस नंबर लिखेंगे वो इंक्रीमेंटल मोड में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे ऊपर जो है हमें सबसे कम नंबर लिखना है, नीचे जो है उससे ज़्यादा बढ़ाते हुए हमको यहाँ पर लिखते चले जाना है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म कहलाती है ब्लॉक। अब ब्लॉक को समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लॉक एक्चुअल में है क्या। ब्लॉक एक तरीके से देखा जाए तो मशीन के एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो जहाँ तक हमारा फुल स्टॉप आ जाता है वो जो लाइन होती है वो हमारा जो है पूरा ब्लॉक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए O1111 ये प्रोग्राम नंबर है, लेकिन मशीन के लैंग्वेज में हम इसे एक ब्लॉक बोलेंगे कि ब्लॉक ये है, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी जो लाइन है इस पूरी लाइन को जो है हम सेकंड ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। ये जो पूरा थर्ड लाइन है इसको जो है हम थर्ड ब्लॉक कहेंगे। अब आप समझिए कि ये ब्लॉक का सिस्टम हमने इसमें क्यों किया। कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस तभी होता है जब उसमें जो है सही तरीके से शब्दों का चुनाव होता है। जैसे कि अगर आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि राम जाता है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। राम जाता है, राम जा रहा है, तो वो जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ रहा है। तो वो कब कंप्लीट होगा, जब वो है के बाद अपना जो है विराम वाला जो पोर्शन है वहां तक आप रीड कर लेंगे तब। अगर आप पहला शब्द पकड़ते हैं तो वहां पर जो है आपको मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आपको पूरी की पूरी सेंटेंस को समझना होगा। तो यहां पर देखिए ये पूरी की पूरी एक लाइन है, इनके कोड्स को मिला के एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आएगा। वो जो कमांड होगी वो कमांड मशीन समझेगी कि भाई ये जो यूजर है मुझे ये कमांड दे रहा है, अब मुझे इसके हिसाब से काम करना है। तो ये तब होगी जब वो पूरा का पूरा ब्लॉक रीड करेगी, ठीक है। मशीन को अगर आप सिर्फ एक कोड दे देंगे उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है तो वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगी और वहाँ पर वो एक्शन नहीं ले पाएगी। मशीन के अंदर जब आप प्रोग्राम को रीड करेंगे तो मशीन जो है आपको ब्लॉक बाई ब्लॉक रीड करके वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन में आएगी। तो मशीन को जो है ब्लॉक बाई ब्लॉक समझ में आता है। पहला ब्लॉक में जो कमांड दी है वो उसको रीड करेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें एक्शन क्रिएट करेगी, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इस तरीके से जो है हमारी मशीन काम करती है। तो ये ब्लॉक जो है हमारा डिफाइन कहलाता है पूरी की पूरी लाइन को। ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब हम जो नेक्स्ट टर्म यूज़ करते हैं वो है वर्ड।
वर्ड एक्चुअल में है क्या? वर्ड का मतलब है कि शब्द। शब्द बनते हैं अलग अलग अल्फाबेट्स को मिला के, यानी कि अक्षरों को मिला के जो है वर्ड बनता है। तो मशीन के अंदर जो प्रोग्राम हम करते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक वर्ड होते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकलता है वो हम यूज करते हैं, उसको कहलाते हैं वर्ड। ठीक है, अब वर्ड के अंदर देखिए एन और वन। एन एक अल्फाबेट है यानी कि एक अक्षर है, वन एक न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है, नंबर्स है। तो इन दोनों को मिला के जो कंबाइंड रिजल्ट निकलेगा इसको हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, G01, G02, N1, N2, N3, ये कंप्लीट जो है हमारा वर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है एड्रेस। एड्रेस क्या है? एड्रेस यहां पर होता है जो अल्फाबेटिक लेटर है उसको हम एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि N1 में N जो है ये हमारा एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, G0 में G जो है हमारा एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो एड्रेस में और न्यूमेरिक डेटा में आपको अंतर पता हो जाएगा। यहां पर देखिए न्यूमेरिकल डेटा दिया है। न्यूमेरिकल डेटा का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारी जो है न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। जैसे 1, 0, 0, 0 ये जो है हमारा न्यूमेरिकल डेटा कहलाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक यहां पर लिखा हुआ EOB। EOB का मतलब है कि आपको जो है सेमी कॉलन यूज करना है। सेमी कॉलन जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा एंड ऑफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, अब एंड ऑफ ब्लॉक को हम यूज क्यों करते हैं? एंड ऑफ ब्लॉक को यूज इसलिए करते हैं ताकि कि एक पूरा सेंटेंस खत्म हुआ तो उसके बाद हमको एक फुल स्टॉप लगाना होता है इंग्लिश में, और हिंदी के अक्षरों में जो है हम एक पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण विराम का जो काम करता है वो हमारा एंड ऑफ ब्लॉक है। अब एंड ऑफ ब्लॉक को समझने के लिए जो है आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एंड ऑफ ब्लॉक जो है फुल स्टॉप की तरह काम करता है। अगर आप एंड ऑफ ब्लॉक किसी भी ब्लॉक के एंड में नहीं लगाएंगे तो मशीन जो है नेक्स्ट ब्लॉक को रीड कर लेगी। इससे क्या होगा कि एक साथ जो है दो लाइनों की कमांड एक साथ मशीन रीड करेगी। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट लाइन के आगे जो है हम एंड ऑफ ब्लॉक लगा देते हैं ताकि जो मशीन है वो अपना नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट ब्लॉक में जाकर रीड करे। तो ये तो हो गई हमारी प्रोग्रामिंग टर्म्स। इन प्रोग्रामिंग टर्म्स के अलावा जो है हम जो है जी कोड और एम कोड को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।